मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। नमस्कार, कुकिंग विद शालिनी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे समोसे। समोसे सब बहुत ही खुश होकर खाते हैं। आइए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन चीजों की। समोसे बनाने के लिए हमें चाहिए उबले हुए आलू, हरा धनिया, हरी मिर्च, मैदा, नमक, रिफाइंड ऑयल, लाल मिर्च, अमचूर पाउडर, धनिया सूखा। आइए अब हम शुरू करेंगे अपने समोसे बनाने। समोसे बनाने के लिए हमने एक बड़ा बोल जो है मैदे का लिया है, ये हम अपने बोल में डाल देते हैं। इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक हमने बिल्कुल हल्का सा डालना है, बस चुटकी भर। रिफाइंड ऑयल डाल लेंगे तकरीबन एक बड़ा चम्मच, और इन सबको मिला लेंगे अच्छे से। हमने जो है अपने रिफाइंड ऑयल को और नमक को मैदे के अंदर मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं कुछ ही इस तरह से होना चाहिए। इसमें हम डालेंगे पानी, थोड़ा थोड़ा करके हमने पानी डालना है और इसको हिलाते रहना है। थोड़ा हार्ड डो बनाएंगे हम इसके लिए। थोड़ा पानी और डाल लेते हैं। अच्छे से हमने इसको जो है पूरी तरह से मिक्स करना है। पानी थोड़ा सा और डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हमने डालना पानी। और पानी डालने की हमें ज़रूरत नहीं है, इसी को हम हम अच्छे से मिलाएंगे। अच्छे से हमने मैदे का डो बना लिया है, आप देख सकते हैं। इसको गूंदने के लिए हमने आधा कप पानी भी नहीं यूज़ किया है, आधे से भी कम यूज़ किया है हमने पानी। इसको हम इसी तरह से रखेंगे, ढक देते हैं इसको, और इसको 15-20 मिनट के लिए हम ढककर इसी तरह रखेंगे। जितनी देर हम आटे को सेट करने के लिए रख रहे हैं रेस्ट पे, उतनी देर हम अपना मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं। पैन को हमने गैस पे रख दिया है, इसमें हम डाल लेते हैं अपना रिफाइंड ऑयल तकरीबन एक बड़ा चम्मच। इसमें हम डालेंगे अपना पिसा हुआ धनिया। धनिया को हमने दरदरा पीस लेना है, आधा चम्मच डालेंगे इसमें। और इसमें हम उबले हुए हमने जो है 2 से 3 आलू लिए हैं, इसको हमें काटना नहीं है, इस तरह से इसमें डाल देना है मैश करते हुए। इस तरह से हमने आलू को मैश कर देना है। आलू को हमने अच्छे से मैश कर लिया है, इसमें हम डाल लेंगे अपना एक हरी मिर्ची काटी हुई बारीक बारीक। नमक डालेंगे आधे चम्मच से थोड़ा कम, 1/3 स्पून के करीब। 1/3 स्पून के करीब हम लाल मिर्च डालेंगे, 1/3 स्पून अमचूर पाउडर, हरा धनिया, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हमने आलू को मैश कर लेना है। गैस को बंद कर देते हैं और अपने मसाले को ठंडे होने के लिए रख देते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं, आटे को चेक कर लेते हैं। आटा हमारा सेट हो चुका है, इसको निकाल लेंगे। थोड़ा सा हम इसमें आटा जो है अपने प्लेटफॉर्म में डाल लेते हैं इस तरह से। इस तरह से हम जो है इसका एक पेड़ा बनाएंगे और हल्के हाथ से दबाते हुए इसको बेल लेंगे। बहुत मोटा नहीं हमने बेलना है, बहुत पतला भी नहीं बेलेंगे। चपाती जैसे हम बेलते हैं, चपाती की तरह हमने इसको बेल लेना है। आप देखते हैं हमने बेल लिया है इसको चपाती की तरह। इसको हम बीच में से आधा काटेंगे इस तरह से।
इसके ऊपर लगाएंगे साइड्स पे पानी, इसकी सारी साइड्स पे हमने जो है पानी लगा लेना है। इस तरह से इसको एक के ऊपर एक रखते हुए नीचे से दबा लेंगे हल्के हाथ से, और इस तरह से हम इसको इसमें जो है अपनी फिलिंग कर लेंगे आलू की। जो हमने आलू की फिलिंग बनाई है ये डाल लेंगे हम, तकरीबन 2 चम्मच के करीब डाल लेते हैं इसमें, और इसको ऊपर से बंद कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से हम इसको बंद करेंगे, इसको दबाते हुए इस तरह से हल्का सा मोड़ेंगे और इसको समोसे की शेप दे देंगे। ये आप देख सकते हैं समोसा हमारा बनकर तैयार है। इसी तरह से हमने बाकी के समोसे भी बना करके तैयार कर लेने हैं। पानी लगाएंगे साइड पे, इस तरह से इसको नीचे से दबाते हुए हल्के हाथ से इसको दबाएंगे और इसमें अपने आलू की फिलिंग कर लेंगे। 1-1.5 चम्मच इसमें डालेंगे और इसको दबा लेंगे इस तरह से, इसको जोड़ते हुए इसके कॉर्नर्स को हमने जोड़ लेना है। हर साइड से जोड़कर हल्के हाथ से हमने दबाना है और इसको इस तरह से मोड़ लेंगे। ये हमारा समोसा बनकर तैयार है। ऐसे ही हम सारे समोसे बनाकर अपने तैयार कर लेंगे। समोसे हमारे बनकर तैयार हो गए हैं, इसको अब हम फ्राई कर लेते हैं। रिफाइंड ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे अपने समोसे। गैस को हल्का कर लेंगे और हल्की गैस में जो है हम इसको बनाएंगे। पहले एक बार हमारा जो रिफाइंड ऑयल है अच्छे से गर्म होना चाहिए, उसके बाद हम इसको हल्की गैस पे जो है हम बना सकते हैं। इसको मोड़ लेंगे, अब देख सकते हैं कलर हमारे समोसों का चेंज हो गया है। इसकी गैस को अब हम तेज कर लेते हैं, साइड को हम चेंज करते रहेंगे ताकि बराबर का कलर गोल्डन ब्राउन दोनों तरफ से आए। बहुत बढ़िया समोसे हमारे बनकर तैयार हो रहे हैं। थोड़ा और इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे फिर इसको निकाल लेंगे। अब देख सकते हैं समोसे हमारे बहुत अच्छे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, बनकर तैयार है। इसको हम निकाल लेते हैं इस तरह से, इसको कड़छी को साइड पे रखते हुए इसका तेल जो है निकालते हुए हमने इसको इस तरह से थोड़ी देर के लिए रखेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वापस कढ़ाई में चला जाए। इसको प्लेट में निकाल लेंगे। बाकी के समोसे भी हम इसी तरह से बना करके तैयार, बहुत ही बढ़िया समोसे आप देख सकते हैं हमारे बनकर तैयार हैं। इसके ऊपर हम चाट मसाला लगा देते हैं थोड़ा, इसे आप चाय के साथ खाएं, किसी पार्टी में बनाकर खाएं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत ही बढ़िया स्टार्टर हैं। आप इसे मेरी रेसिपी से ज़रूर बनाएं, आपको बहुत पसंद आएंगे। और अगर आपको अच्छे लगे तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।